अध्याय 11 पद, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। The mouth of a righteous. धर्मी का मुंह। We are righteous. परमेश्वर की उपस्थिति में हम धर्मी हैं। We have received the righteousness. फिर संदेश है जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। Who is righteous? कौन है धर्मी? If we speak, understand from the Old Testament, पुराने नियम से समझने की जब हम कोशिश करें, Job says there is no righteous, no one who is righteous. अय्यूब कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी जन नहीं है। No one can be righteous in the sight of God. परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं खड़ा रह सकता। Job 9 verse 2 says nobody can be righteous. और अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय 2 पद में कोई भी धर्मी नहीं। But still Job was counted righteous. लेकिन तो भी अय्यूब को धर्मी गिना गया। Abraham was counted righteous in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में अब्राहम को भी धर्मी माना गया। In Genesis 15:6 says Abraham believed God and that was counted to him righteousness. अब्राहम जैसे उत्पत्ति 15 अध्याय 6 पद में अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए वो बात धार्मिकता गिनी गई। Old Testament saints were not perfectly righteous in the presence of God. पुराने नियम के संत संपूर्ण रीति से धर्मी नहीं थे। But they were coming under the blood of the slain lamb. लेकिन वध हुए मेमने के लहू के नीचे वो लोग जरूर आते थे। In order to enter in the presence of God, every time they had to slay a sacrificial lamb and come in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी वे याजक प्रवेश करना चाहते थे, सब